ਫੋਟੋ ਨੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। चाय वाला रणजीत आदमी ये एक पिज्जा के बीच सूरी चली फटी सी देखो जी कल मैनू एक वीडियो वट्सअप पर आई सी जिदे विच अपना चाय वाला रणजीत आदमी इहदे एक पिज़्ज़ा दे विच सूरी चली फटी सी जिसते असी एक्शन लैंदे हुए नहीं देखे अज असी इत्थे आए हैं। इन्हां दी किचन दी इंस्पैक्शन की है, किचन दे विच जिहड़े डस्टबिन सीगे वो अनकवर्ड सी और चॉपिंग बोर्ड्स भी जिहड़े सी कंटैमिनेटेड सी एंड कुछ एक अद्धा बेसन का पैकेट से जो खुले हुआ से एक्सपायर्ड से उसमें से डिस्ट्रॉय करा दिता है और इन्हों का जो पनीर से वह असी सैंपल ले लिया जिस चाय के पत्ती यूज करते हैं वह सैंपल ले लिया और ना ही आप नोटिस इशू कर दिता। जी मेरी यही है कि सानू डिपार्टमेंट में लगातार जो सुंडियां वगैरह वाले कंप्लेट जी बड़े रेस्टोरेंट्स को पिछले कल सब एक पैलेस वाली कंप्लेट से सो डिपार्टमेंट की सारे अपील है कि अपने जो रेस्टोरेंट्स की किचन की हाइजीन है सही करो, सही तरीके दे नाल अपना जोड़ा है चीज़ा प्रिपेयर करो, एक्सपायर्ड आइटम्स में जोड़ा है किसी हालत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेकर फिर भी ये कृषि लोग नहीं समझते तो डिपार्टमेंट ने जो अपना सख्त रुख रुख जोड़ा अख्तियार करना लोग क्यों नहीं समझते समान जो रखते हैं तरीका लंघ जाते एक्सपायर हो जाता क्यों नहीं ये समझते दे? देखो गल इस तरह होंगी है जी जिस तरह ये की करते हैं ये जिस तरह साढ़े स्टोरस ने उत्थे की होंगे 15 दिन 20 दिन या 30 दिन पहला एक्सपायरी तो समान ही ले आते हैं और इन्हों का जो यूज़ घट होने करके फिर उसते ध्यान नहीं देंगे कि चीज़ एक्सपायर्ड हो चुकी है। सो मेरी हुण साढ़े भी सानू क्योंकि लगातार एक तो बाद एक कंप्लेंट्स आ रही हैं तो डिपार्टमेंट भी अगर यहोजा काम तुम लोग करोगे तो डिपार्टमेंट फिर सख्त तो सख्त एक्शन लेगा फिर ना कहा जाए कि सानू जो डिपार्टमेंट तंग कर एक्सपायर हो जाने के लगता है कोई मर भी सकता है या कोई हादसा भी हो सकता है? ये देखो नहीं चीज़ का इस तरह होंगे जो कोई चीज़ दी सी बेस्ट बिफोर लिखी है डेट तो इट मीनस कि उस तो बाद जी चीज़ा की खाने की जी कई तरीके की कॉन्स्टिपेशन आ सकती हैं। यस अगर कोई भी चीज़ मतलब साल दो साल तो बाद एक्सपायर्ड है तो ओबियसली कोई ना कोई भी मिसहैपनिंग भी होने के चांसिस रहे। जुर्माना पाया या कोई नहीं अभी सैंपल ले लिया जी और चलान इन्हों का इशू कर दिता है। ठीक है।